यार सुनो ना, तुम्हें डरावनी कहानियां अच्छी लगती हैं? चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी कार्टून फिल्म बच्चों को बड़ी अजीब लगती थी। इस गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को कार्टून बहुत पसंद थे। एक दिन उसे अपने दादाजी के अटारी में एक वीडियो टेप मिली। उस टेप पर लिखा था भूतिया कार्टून। जैसे ही रोहन ने वो टेप चलाई, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। टीवी पर एक डरावना जंगल दिखने लगा और उसमें अजीब से कैरेक्टर्स घूम रहे थे। अचानक एक भूतिया फेस स्क्रीन पर उभरा और बोला, तुमने मुझे जगा दिया। रोहन डर तो गया, लेकिन साथ ही उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। उसने गौर से देखा तो पाया कि कार्टून में दिखाए गए लोग उसके गाँव के ही थे, और ध्यान से देखने पर उसे लगा कि उसका घर भी कार्टून में दिख रहा है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि कार्टून कैरेक्टर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। रोहन इधर उधर देखने लगा, तभी उसे खिड़की के पास कुछ हलचल सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और वहां क्या देखता है, वही कार्टून कैरेक्टर्स उसके घर के बाहर खड़े थे। वो चिल्लाया और दादाजी को बुला लाया। दादाजी ने उन कैरेक्टर्स को देखकर पहचान लिया। दादाजी ने रोहन को बताया कि वो कार्टून उनके बचपन की कहानी पर बना था। वो कहानी थी उस गांव के भूतिया रहस्यों की, जो उन्होंने खुद देखे थे। रोहन को समझ आ गया कि वो कार्टून दरअसल उसकी ही कहानी थी। तो दोस्तों याद रखना, हर कहानी में कुछ ना कुछ सच होता है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसी कोई टेप मिले तो उसे देखने से पहले 100 बार सोचना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ और डरना मत।